हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। देखिए, आज मैं बहुत ही इजी वाला डिजाइन लेके आई हूँ। ये डिजाइन आप किसी भी प्रोजेक्ट पे डाल सकते हो। स्वेटर, कार्डिगन, लेडीज जैकेट, फ्रॉक, शॉल, किसी भी प्रोजेक्ट पे डालिए, बहुत ही सुंदर बन के आएगा। रॉन्ग साइड पे ऐसे दिखता है ये डिजाइन। जस्ट 4 रोज का डिजाइन है। इन्हीं 4 रोज आपको आगे आगे रिपीट करना है। इस डिजाइन को बनाने के लिए 8 मल्टीपल में फंदा लेना है, प्लस 1 करना होगा, मल्टीपल ऑफ 8 प्लस 1। इसमें मैंने 8 मल्टीपल करके 16 प्लस 1 कर लिया है, टोटल 17 कर लिया है। फर्स्ट रो राइट साइड, फर्स्ट रो एक फंदा ऐसे स्लिप कीजिए। आप यहाँ से रिपीट पैटर्न स्टार्ट करना है, धागा को आगे करना है, 2 फंदा उल्टा, 1 2। अब धागा को आगे रखना है। अब इस 3 फंदा को 1 2 3, तीन फंदा को 3 फंदा बनाना है, 3 फंदा में से 3 फंदा ही बनाना है। एक, फिर यहाँ ऊपर 2, फिर इसी होल में नीडल डालना है, 3, 3 फंदा में से 3 फंदा ही बनाया। फिर 2 फंदा उल्टा, 1 2, धागा पीछे, 1 फंदा सीधा, ऐसे नीचे से सीधा बुनेंगे यहाँ से। एक फंदा को छोड़कर यहाँ से यहाँ तक एक डिजाइन खत्म हुआ है। आपको रिपीट करना है बार बार, 2 फंदा उल्टा, 1 2 2, फिर 3 फंदा में से 3 फंदा ही बनाया, 1 2 3, फिर 2 फंदा उल्टा, 1 2, 1 फंदा सीधा। आपको रिपीट करना है, यहाँ से फिर रिपीट करना है, धागा आगे, 2 फंदा उल्टा, 1 2, 1 2 3, 3 फंदा में से 3 फंदा ही बनाना है, 1, यहाँ ऊपर 2, फिर इसी होल में नीडल डालना है, 3, 3 फंदा में से 3 फंदा ही बनाया। फिर 2 फंदा उल्टा, 1 2, 1 फंदा धागा पीछे, 1 फंदा सीधा, नॉर्मल सा सीधा बुनेंगे। आपके बाद फर्स्ट रो भी बुन के कंप्लीट कर लिया है। आप सेकेंड रो एक फंदा ऐसे स्लिप कीजिए। आप यहाँ से रिपीट पैटर्न स्टार्ट करना है, धागा को पीछे करना है, 2 फंदा सीधा, 1 2, धागा आगे, 3 फंदा उल्टा, 3 फंदा में से 3 फंदा बनाया हुआ फंदा को हम उल्टा बुनेंगे, 1 2 3, धागा पीछे, 2 फंदा सीधा, 1 2, धागा आगे, 1 फंदा उल्टा। एक फंदा को छोड़कर यहाँ से यहाँ तक एक डिजाइन खत्म हुआ है। आपको रिपीट करना है बार बार, 2 फंदा सीधा, 1 2, फिर 3 फंदा उल्टा, 1 2 3, 2 फंदा सीधा, 1 2, फिर 1 फंदा उल्टा। आपको रिपीट करना है, यहाँ से फिर रिपीट करना है, धागा पीछे, 2 फंदा सीधा, 1 2, धागा आगे, 3 फंदा उल्टा, 1 2 3, धागा पीछे, 2 फंदा सीधा, 1 2, धागा आगे, 1 फंदा उल्टा। सेकेंड रो भी बुन के कंप्लीट कर लिया है। आप थर्ड रो एक फंदा ऐसे स्लिप कीजिए। अब यहाँ से रिपीट पैटर्न स्टार्ट करना है, धागा को आगे करना है, 2 फंदा उल्टा, 1 2, धागा पीछे, 3 फंदा सीधा, 1 2 3, धागा आगे, 2 फंदा उल्टा, 1 2, धागा पीछे, 1 फंदा सीधा। इस तरह से सीधा नहीं बुनना है, ऐसे नीचे से, यहाँ नीचे से सीधा बुनेंगे,
एक फंदा को छोड़कर यहाँ से यहाँ तक एक डिजाइन खत्म हुआ है। आपको रिपीट करना है बार बार, दो फंदा उल्टा एक दो, फिर तीन फंदा सीधा एक दो तीन, दो फंदा उल्टा एक दो, फिर एक फंदा सीधा, नीचे से सीधा बुनेंगे। आपको रिपीट करना है, यहाँ से फिर वही रिपीट करना है, धागा आगे दो फंदा उल्टा एक दो, धागा पीछे तीन फंदा सीधा एक दो तीन, धागा आगे दो फंदा उल्टा एक दो, धागा पीछे अब की बार नॉर्मल सा सीधा बुनेंगे इस तरह से। थर्ड रो भी बुन के कंप्लीट कर लिया है। अब फोर रो एक फंदा ऐसे स्लिप कीजिए। आप यहाँ से रिपीट पैटर्न स्टार्ट करना है, धागा को पीछे करना है, दो फंदा सीधा एक दो, धागा आगे तीन फंदा उल्टा एक दो तीन, धागा पीछे दो फंदा सीधा एक दो, धागा आगे एक फंदा उल्टा। एक फंदा को छोड़कर यहाँ से यहाँ तक एक डिजाइन खत्म हुआ है। आपको रिपीट करना है बार बार, दो फंदा सीधा एक दो, फिर तीन फंदा उल्टा एक दो तीन, फिर दो फंदा सीधा एक दो, एक फंदा उल्टा। आपको रिपीट करना है, यहाँ से फिर रिपीट करना है, धागा पीछे दो फंदा सीधा एक दो, धागा आगे तीन फंदा उल्टा एक दो तीन, धागा पीछे एक फंदा सॉरी दो फंदा सीधा एक दो, धागा आगे एक फंदा उल्टा। फोर रो भी बुन के कंप्लीट कर लिया है। देखिए ये डिजाइन जस्ट फोर रोज का है, इन्हीं फोर रोज आपको आगे आगे रिपीट करना है। अब यहाँ से फिर रो वन स्टार्ट करना है, देन रिपीट करके जाना है रो वन से रो फोर तक। जब भी बार बार रिपीट करेंगे तो ये डिजाइन ऐसा बन के आए। लास्ट में मेरे चैनल को लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू।